हम पढ़ रहे थे साहित्यिक निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवि कर्तव्य। तो आइए इसका अगला पाठ पढ़ते हैं। आपसे पहले हमने कवि कर्तव्य निबंध के तीन पार्ट्स, तीन भाग पढ़े। पहला था छंद, यानी छंद कैसे लिखने चाहिए एक कवि को। फिर दूसरा था भाषा, एक कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये लेखक ने बताया था। तीसरा था अर्थ, यानी कि एक कविता में अर्थ किस प्रकार से अंतर्निहित हो, किस तरह से अर्थ उसमें भरा जाए, क्या वो अर्थवान हो कि बिना अर्थ की हो, और किस तरह से अर्थ कविता को मूल्यता प्रदान करता है। रस और अर्थ मिलकर के ही कविता को बनाते हैं, अर्थ के बिना जिस तरह से कविता संभव नहीं है, ये भी लेखक ने हमें बताया। और आज लेखक का जो चौथा विषय है वो पढ़ेंगे विषय, चौथा पार्ट है इसका, वो पढ़ेंगे विषय, यानी विषय वस्तु कैसी हो उसकी, है ना, किस विषय पर लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। कविता के तो ढेर सारे विषय होते हैं, तो किस विषय पर लिखा जाए ये मुख्य बात है। अब देखते हैं कि किस विषय पर कविता लिखनी चाहिए। कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। साफ साफ लिखा है पहली लाइन में, कविता का विषय कैसा हो, मन को अच्छा लगने वाला, और उसमें उपदेश भी होना चाहिए। ऐसी कोई कविता न लिखी जाए जिसमें मनोरंजन नहीं हो या जिसमें कोई उपदेश नहीं हो। देखो क्या लिखा है आगे, यमुना के किनारे किनारे केली कोतवाल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, किसी नदी के किनारे प्रेमिका के साथ में खेलने के चित्र कविताएं बहुत हो चुकी है, क्या करें उनका पढ़ के, क्या मिलता है उससे। न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है। प्रक्रिया बोलते हैं ऐसी स्त्री जो किसी दूसरे की पत्नी हो और उससे प्रेम किया जाए, प्रक्रिया नायिका बोलते हैं। स्वकिया यानी खुद की पत्नी से प्रेम, प्रक्रिया यानी दूसरे की पत्नी से, दूसरे की नायिका से प्रेम। तो अब ऐसी नायिकाओं पर निबंध लिखने की कोई आवश्यकता, प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रबंध कविता का एक पार्ट है, कविता का एक प्रकार है। मुक्तक और प्रबंधक, प्रबंध दो तरीके से कविताएं लिखी जा सकती है। प्रबंध में पूरी कहानी चलती है, मुक्तक में कहानियां नहीं होती, कविता एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, आगे पीछे की संदर्भ और प्रसंग से स्वतंत्र होती है। मुक्तक में पूरी कहानी चलती है, प्रबंध में पूरी कहानी चलती है, जैसे कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य रचना है और बिहारी के दोहे एक मुक्तक काव्य रचना है। और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की, स्वकिया यानी खुद की पत्नी से प्रेम के कविताएं लिखने की भी, गत आना जाना, गतागत यानी उसका आना कैसे वो आती है, गतागत। चींटी से लेकर हाथी तक पशु पे कविता लिखी जा सकती है। भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, आदमी चाहे वो भिखारी हो चाहे वो राजा हो, इन पे कविताएं लिखी जा सकती है। बूंद बिंदु यानी बूंद, बूंद से लेकर समुद्र पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, पर्यंत यानी तक, एक भिखारी से लेकर राजा तक कोई भी आदमी हो उस पे कविता लिखी जा सकती है। बूंद से लेकर समुद्र पर्यंत जल, एक बूंद से लेकर सागर तक कविता लिखी जा सकती है। अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश, सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। फिर क्या कारण है कि इन विषयों को छोड़कर कोई कोई कवि स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन करना ही कविता की चरम सीमा समझते हैं। सवाल पूछा है, कोई कोई लेखक, कोई कोई कवि केवल स्त्रियों के बारे में कविता, उनकी चेष्टा, उनके हाव भाव, उनके अदाओं पर ही कविता लिखते हैं, ऐसा क्यों है, जबकि कविता तो बूंद से लेकर समुद्र, चींटी से लेकर हाथी, भिखारी से लेकर मनुष्य, राजा तक और अनंत आकाश, पृथ्वी तक कविताएं लिखी जा सकती है। फिर ऐसा क्यों है कि कोई कोई कवि केवल स्त्रियों पर कविता लिखने को ही कविता समझते हैं। केवल अविचार और अंध परंपरा, इसका कारण क्या है, अंध परंपरा है, अविचार है, विचार नहीं करते, पहले की परंपरा का अनुसरण करते हैं। मेघनाद वध या यशवंत राव महाकाव्य वे नहीं लिख सकते, तो उनका ईश्वर की निश्चिम सृष्टि में से छोटे छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविताएं करनी चाहिए। अगर वो मेघनाद वध और यशवंत राव महाकाव्य जैसी कविताएं नहीं लिख सकते तो छोटी छोटी कविताएं लिख दो। अभ्यास करते करते शायद कभी किसी समय वे इससे अधिक योग्यता दिखलाने समर्थ हो, और दंडी कवि के अनुसार शायद कभी वाग्देवी उन पर सचमुच ही प्रसन्न हो जाए। नायिका के
हाव भाव आदि के वर्णन का अभ्यास करने वालों पर भी सरस्वती की कृपा हो सकती है, परंतु तदर्थ उनकी उपासना न करना ही अच्छा है। हाँ, तो लेखक ये बताता है कि कविता अच्छी हो सकती है, छोटी छोटी सी कविताएं लिखो, बड़ी कविताएं ना लिख सको तो, और प्रयास करते करते, जैसा कि आचार्य दंडी ने कहा है कि अगर आप अब आप में प्रतिभा नहीं है और अगर शास्त्र का अनुशीलन करोगे, लगातार प्रयास करते रहोगे, तो एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। संस्कृत में सहस्त्र शय उत्तमोपम काव्य विद्यमान है। संस्कृत में हजारों, सहस्त्र यानी हजार, हजारों उत्तम से उत्तम, उत्तमोत्तम अच्छे से अच्छा कविता है। अतः उस भाषा में काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, कुवलयानंद, रस तरंगिणी आदि साहित्य के अनेक लक्षण ग्रंथों का होना अनुचित नहीं है। ये सारी की सारी कविताएं एक किताबें संस्कृत की है, तो वहाँ तो ये अनुचित नहीं है, क्योंकि वहाँ से एक बढ़कर एक से बढ़कर एक कविता है। परंतु हिंदी भाषा में सतकाव्य का प्राय अभाव है, लेकिन हिंदी में अच्छी कविता भी नहीं है। ये लिखा जा रहा था 1910-15 के लगभग, 100 साल पहले, तब हिंदी में कविताएं कम थी। परंतु हिंदी भाषा में सतकाव्य का प्राय अभाव है, इस कारण अलंकार और रस विवेचन के झगड़ों से जटिल ग्रंथों के बनने की हम कोई आवश्यकता नहीं देखते। हेला हाव का लक्षण और उसका चित्र देखने से क्या लाभ, अथवा दीपालंकार, दीपकालंकार व उसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भेदों को जानने से क्या उपयोग। हिंदी में ऐसे कितने काव्य हैं जिनके ये भेद पाए जाते हैं। हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार रस कुसुमाकर और जसवंत जसो भूषण के समान ग्रंथों की इस समय आवश्यकता नहीं। इनके स्थान में यदि कोई कवि किसी आदर्श पुरुष के चरित्र का अवलंबन करके एक अच्छा काव्य लिखता, तो उसे हिंदी साहित्य को अलभ्य लाभ होता। कनिष्ठा और ज्येष्ठा का भेद और उनके चित्र देखें तो क्या, और न देखें तो क्या, ये नायिका के प्रकार हैं। कनिष्ठा नायिका, ज्येष्ठा नायिका, ऐसी नायिकाओं से क्या फ़ायदा है हिंदी को, कि अच्छे आदर्श पुरुष जैसे राम लक्ष्मण या कृष्ण या कोई ऐसा ही बुद्ध, इस पर कविता क्यों नहीं लिख सकते। अशोक, इन पर कविता लिखो, केवल नायिका पर ही कविता क्यों लिखी जा रही है, ऐसा लेखक का मानना है। हिंदी कविता की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा का प्रयोग, दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लिखने में ना करें। अच्छे काव्य लिखने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अलंकार, रस और नायिका निरूपण बहुत हो चुका, तो विषय कैसा हो ये नायिकाओं का ना हो, बस इतनी ही बात याद रखो। बाकी भिक्षुक से लेकर राजा तक, बूंद से लेकर समुद्र तक, किसी भी विषय पर लिख दो, बस नायिकाओं पर मत लिखो, क्योंकि बहुत हो चुका है। इस समय कवियों का एक दल कवि समाजों और कवि मंडलों में बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा है। समस्या पूर्ति बोलते हैं, एक लाइन देखो, इस समय कवियों का एक दल यानी समूह कवि समाजों में, जहां बहुत से कवि बैठते हैं वहां पे, कवि मंडलियों में, कवि मंडली यानी आपके यार दोस्त जो कवि हैं वो एक साथ बैठ के और फिर कविताएँ लिखे, कविताएँ बोले, कविताएँ पढ़े, में बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा है। समस्या पूर्ति बोलते हैं, एक लाइन दे दी जाती है और उस लाइन को कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है आगे पीछे की लाइनें लिख के, तो उसको बोलते हैं समस्या पूर्ति। तो कौन जल्दी करेगा इसको, इस और सही और अच्छे और सबसे अच्छी जो कविता लिखेगा उस लाइन पे, उसको फिर वाही वाही होती थी उसकी, और वाह वाही के बाद में उसको पैसा दिया जाता था, इनाम दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था, और ये सम्मान की बात समझी जाती थी कि इसने इस समस्या की पूर्ति कर दी, कविता सबसे अच्छी और सबसे जल्दी लिखी। तो लेखक बोल रहा है कि इस ज़माने में समस्या पूर्ति करने में सब परेशान हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं। इन पूर्तिकारों में से कुछ को छोड़कर शेष कविता के लिए समस्या पूर्ति करने के, कविता के नाम की भी बड़ी ही अवहेलना कर रहे हैं। कुछ कविताओं को छोड़ दे तो बाकी कविताएं भी अच्छी नहीं बन रही है। इनको चाहिए कि बिना योग्यता संपादन के किए समस्या पूर्ति करने के झगड़े में न पड़े। अच्छी समस्या पूर्ति करना असाधारण प्रतिभावान का काम है। एक साधारण कवि अपने मनोअनुकूल विषय पर एक ही घड़ी में चाहे 50 पद्य लिख डाले, वे सब चाहे अच्छे भी हों, परंतु किसी समस्या के टुकड़े पर अच्छी कविता करने में वह शायद ही सफल मनोरथ होगा। समस्या पूर्ति के लिए असामान्य कौशल और प्रबल प्रतिभा की आवश्यकता है। इस समय प्रतिभा का पूरा पूरा विकास बहुत कम देखा जाता है, इसलिए समस्या की पूर्ति भी प्राय अच्छी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि समस्या पूर्ति तो करी जा रही है, लेकिन ये कोई काम की नहीं है, और जिसके लिए योग्यता चाहिए वो योग्यता भी इन कवियों में नहीं है।
और हिंदी में समस्या पूर्ति के कारण कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा हिंदी को। और आपको बता दें कि ये समस्या पूर्ति हिंदी में शुरू हुई थी भारतेंदु काल में, जो द्विवेदी काल तक चली, फिर वो खत्म हो गई बाद में। आगे का पैराग्राफ देखो, संस्कृत और अंग्रेजी काव्यों का अनुवाद हिंदी में करने की ओर भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है। अनुवाद कर दें अंग्रेजी से संस्कृत से, परंतु स्वतंत्र कविता की अपेक्षा दूसरे की कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना बहुत कठिन है। एक शीशी में भरे हुए इत्र को जब दूसरी शीशी में डालने लगते हैं, तब डालने में ही पहले तो कठिनता आती है, और यदि बिना दो चार बूंद इधर उधर टपके वह शीशी में चला भी